दोस्तों, जब भी आप इस तरह का वीडियो देखते होंगे तो ये आप जरूर सोचते होंगे कि क्यों ना इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम भी अपना काम आसान कर लें। लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए कि क्या ये चीज़ें सही में आपके लिए यूजफुल है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों देखेंगे और ये वीडियो देख के आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या इन चीज़ों के ऊपर आपको अपना पैसा लगाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, ये है एवांस का ऑयली रिमूवर जो कि किसी भी ऑयली चीज़ को क्लीन करने में यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम इसको फटाफट से यूज़ करके देखते हैं कि क्या है हमारे किचन में लगे हुए कढ़ाई वगैरह के ऊपर जो भी ऑयली चीज़ें होती है साफ़ कर पाता है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ दो तीन चीज़ ऑप्शन है, तो हमें उसमें एक एक करके इसको टेस्ट करके इसका रिजल्ट आपके सामने दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास एक सस्पेन है जो कि बहुत ही गंदे तरीके से धब्बे से एकदम पूरा ऑयली जमा हुआ इधर इधर पूरा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर टेस्ट करेंगे ये कि तो क्या ये सच में इस गंदगी को हटा पाता है या नहीं, या फिर ये ऑयल जो इसमें डटी जमे हुए हैं ये हटता है इससे या नहीं। तो चलिए फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं। इस प्रकार से कुछ इसमें पूरा इसमें लगा देंगे और कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसका रिजल्ट आप आपके आंखों के कुछ सामने होगा। तो इसको हमने कुछ इस प्रकार से मार दिया है और इसको साइड में रख देते हैं अभी, और इसको इस तरह से कुछ हम लोग मिला देते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है कुछ थोड़ी देर के बाद। 15 minutes later। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने इसमें मारा है तो पूरी तरह से ये ऑयली रिमूवर जिस तरह वीडियो में दिख रहा था बिल्कुल उसी तरह हो गया है। और इसके साथ ये ब्रश दिया हुआ था, तो इसकी मदद से हम इसको साफ कर लेंगे पहले। तो आपको बिफोर और आफ्टर मिल जाएगा लास्ट में देखने को कि कैसे ये साफ हुआ पूरी तरह से या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको कुछ साफ भी करना पड़ता है। अगर एक बार में ना निकले तो आप एक दो तीन बार और कर लें, मतलब कि दो बार तीन बार कर लें मैक्सिमम, तो ये पूरी तरह से निकल जाएगा। और इसको लगाने के बाद आपको पूरा 10 मिनट के बाद हम लोग साफ़ कर रहे हैं, तो 10 मिनट के बाद आप कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप लोग ये सब कुछ सामने हो रहा है, मैं कुछ इसमें जादू नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसको आप कुछ इस तरह से रगड़ लीजिए इसकी मदद से, और ये ऑयली रिमूवर एक्चुअल में काम कर रहा है। अभी तक तो रिज़ल्ट अच्छा रहा है। अब इसको हम वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने के लिए मुझे बाहर जाना होगा, मेरे यहाँ पर वॉश करने का मन, तो मैं बाहर जाके इसको आपको वॉश करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते होंगे कि कितने अच्छे से साफ हो गया। अभी भी इधर थोड़ा थोड़ा लगा हुआ, तो हम इसमें एक दो बार और साफ़ कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बिफ़ोर एंड आफ्टर है, पहले का ये था और अभी ये है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दोनों आप कितना ही डिफरेंट आया है। इसको अगर साफ़ करना है तो एक दो बार और हम लोग कर लेंगे। तो इसमें एक दो बार मैं और साफ़ कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, इसको दो बार वॉश करने के बाद कुछ इस तरह का रिजल्ट आया है। अब आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का सीन, जो कि पहले मेरा इस तरीके था और अभी जो मैंने इसके दो बार इससे क्लीन किया एवांस ऑयली रिमूवर से, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आया है मेरे पास। तो चलिए फटाफट से, मेरे पास एक गैस चूल्हा है जो कि वो भी बहुत ही गंदा है स्टोव, तो उसको भी हम साफ़ करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये चूल्हे में कितने जिद्दी दाग है, इसको धोने पर भी ये दागे नहीं गई थी। तो अभी इसके मदद से हम ट्राई करेंगे इसको हटाने की। एक तो हमारा सस्पेन तो हट गया, अब इसके ऊपर ये जिद्दी दागे बहुत ही जिद्दी है। मैंने धोया था इसको, मुझे याद है, लेकिन ये फिर भी नहीं गया था हाथ से। तो अभी इसकी मदद से इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये सही में निकल पाता है या नहीं। मेरे ख्याल से तो निकल जाएगा क्योंकि उस एक जिद्दी वाला तो निकल गया था। चलिए फटाफट से इसको स्प्रे करते हैं। इसमें थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद इसका रिजल्ट देखेंगे। तो दोस्तों, 10 मिनट के बाद हम इसको भी फिर से साफ़ करते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसानी से जो है ये निकल रहा है। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। तो क्योंकि जो कि ये जिद्दी दाग पहले मुझसे नहीं निकला था हाथ से, तो एवांस के ऑयली रिमूवर से बहुत ही आसानी से ये निकल गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसानी से ये निकल गया। थोड़ा सा बस इसमें स्प्रे करके आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ के बस आपको इसके कुछ इस तरफ से स्क्रब कर देना हाथों से, तो बहुत ही अच्छे से ये निकल जा रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसको आप, ये रहा रिज़ल्ट। तो चलिए फटाफट से इसको मैं धो के आपको दिखाता हूँ कि ये पूरी तरह से साफ़ हुई है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये ऑयली रिमूवर काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पूरा साफ़ कर दिया है। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि ये बिफ़ोर और आफ्टर आपके सामने है। जब तक कि मैं इसको सोच भी नहीं रहा था कि ये इतने अच्छे से साफ़ कर देगा, लेकिन ये वाकई में साफ़ कर दिया, मतलब कि ये यूज़फुल है। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि ये सस्पेन को और गैस चूल्हे को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेता है। जहाँ तक मेरी राय है कि अभी इसने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन किया, लेकिन इसको अभी हम और भी जिद्दी से जिद्दी दागों में इसका टेस्ट करेंगे। जैसे कि अभी मान लीजिए आपका बाथरूम का या फिर किचन का टाइल्स हो गया, वो काफ़ी गंदे पड़ जाते हैं,
और उस जिद्दी दाग निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि किचन का ऑयली दाग जो होता है उसको निकाल देते हैं, दाग धब्बे जो भी लगे हुए होते हैं आसपास, लेकिन हम इसको किचन में ना इसको बाथरूम में टेस्ट करके देखेंगे। कोई भी बाथरूम का साइड साइड किनारा हो जाता है वो, उसमें हम लोग जल्दी साफ़ नहीं करते तो क्या हो जाता है कि पूरी गंदगी बैठ जाती है और काफ़ी जिद्दी दाग हो जाते हैं। तो हम इसको बाथरूम में टेस्ट करके देखते हैं कि बाथरूम का ये जिद्दी दाग निकाल पाता है या नहीं। तो चलिए इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये बाथरूम का टाइल्स कितना गंदा हो गया। आप लोग बेसिकली सोच रहे होंगे कि ये बाथरूम को साफ़ नहीं किया जाता, लेकिन हम लोग साफ़ करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि ये इतनी जिद्दी दाग ये जाती है नहीं, तो इसका आज टेस्ट भी हो जाएगा क्या ये जिद्दी दाग को निकाल पाता है या नहीं, या फिर वही कोई निकालता है। तो चलिए फटाफट से इसको हम स्प्रे मारते हैं जिद्दी दागों में और इसको देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या ये साफ़ कर पाता है या नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने स्प्रे कर दिया है कुछ एरिया में, और 5 मिनट के इसको छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद इसके इस ब्रश की मदद से इसको हम लोग साफ़ कर देंगे और देखते हैं इसको ये जिद्दी दाग को निकाल पाता है या नहीं। 5 मिनट्स लेटर। तो दोस्तों, 5 मिनट के बाद अभी हम इस ब्रश की मदद से इसको रगड़ देते हैं, थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये जिद्दी दाग को साफ़ कर पाया है नहीं। तो कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग साफ़ कर लेंगे क्योंकि बहुत ही जिद्दी दाग था, देखिए आप निकल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। और कुछ इस प्रकार से इसको साफ़ कर लेगा, एक बार में नहीं होता तो 2-3 बार करके देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से निकल जाएगा। तो दोस्तों, एक बार में तो पूरी अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाया, एक बार इसमें हम लोग और ट्राई करते हैं, जो कि एक बार में जिससे गंदा वैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है, लोग एक बार साफ़ करके देखें, लेकिन एक बार और ट्राई करते हैं इसको साफ़ करने की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले बार में कुछ और साफ़ किया था और दूसरे बार स्प्रे करने के बाद फिर से इसको एक बार साफ़ करके देखते हैं कि क्या ये रिज़ल्ट देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये एवांस का ऑयली रिमूवर ने सस्पेन को और गैस चूल्हे को बहुत ही अच्छे से साफ़ करें, लेकिन अगर इसको हम बाथरूम में जाकर गंदे टाइल्स में इसको यूज़ किए, लेकिन वहाँ पर ये फैल हो गया है। वो वहाँ पर मैंने 2-2 बार टेस्ट किया, लेकिन वो वहाँ पर दागे को अच्छे से नहीं निकाल पाया। अगर आप इसको किचन के ऑयली दागों में से अगर साफ़ करते तो वहाँ आराम से निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको कोई जिद्दी से जिद्दी दाग है, अगर बाथरूम का, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बाथरूम का जो मेरा टाइल्स था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, वहाँ पर वो फेल हो गया, कम्प्लीटली फेल हो गया, मैं एक तरह से बोलूँगा। मैंने 2-2 बार ट्राई किया 10-10 मिनट को छोड़ करके स्प्रे करके, लेकिन उस दाग को ये नहीं निकाल पाया। तो अगर आप इसको अपने पर्सनल यूज़ में लेना चाहते हैं तो बर्तन वगैरह में जो ऑयली है तो वहाँ तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन ये जिद्दी दागों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसको परचेज करके यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।